दोस्तों, होमियो ज्ञान चैनल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहली बार हमने होम्योपैथी एवं एलर्जी से संबंधित होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात की थी। आज हम दूध से किस प्रकार से कई लोगों में अलग अलग ढंग की समस्याएं पैदा होती है और उन्हें होम्योपैथी दवाइयों द्वारा किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड और दूध हमें ताकत देता है, मजबूती देता है, परंतु फिर भी कुछ लोगों में दूध से तकलीफें होती है, जैसे कि दूध पीने के बाद कुछ लोगों को सिर दर्द बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ब्रोमियम, फाइसोस्टिग्मा और लेक डिफ्लोरेटम उपयोगी होम्योपैथी दवाइयाँ होती है। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि दूध पीने से बदहजमी होने लगती है, अजीर्ण होता है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एथ्यूजा, केलकार्प, कार्बोवेज, मैककार्प, मैगमूर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर दवाइयाँ होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम कुछ लोगों में ये भी देखते हैं कि वो दूध तो पी लेते हैं पर उन्हें उबकाई आने लगती है, जिसे कि इंग्लिश में हम रेचिंग कहते हैं। तो उबकाई वाली समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एथ्यूजा, आर्सेनिक, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरम मेटेलिकम, क्रिएजोटम, मैककार्प, मैगम्यूर और मर्क डल्सिस दवाइयाँ अच्छी मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि दूध पीने के बाद कुछ लोगों को कड़वी डकारें आने लगती है, कुछ लोगों में खट्टी डकारें आने लगती है। तो जिनको कड़वी डकारें आती है उसके लिए चाइना दवाई होती है और जिनको खट्टी डकारें आती है उनके लिए चाइना और सल्फर दवा मुख्य मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूध तो पी लेते हैं लेकिन दूध पीने के बाद उन्हें गैस की तकलीफ होने लगती है। तो गैस की तकलीफ वाले लोगों के लिए हमारे पास केलकार्प, कार्बोवेज, चेलिडोनियम, कोनियम, हेलीबोरस और सल्फ्यूरिक एसिड मुख्य दवाई मानी जाती है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं थोड़ा सा दूध क्या पी लेता हूँ, मेरा पेट एकदम तन्ने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहो मेरा पेट फूल जाता है। उसके लिए हमारे पास एक ही मुख्य दवाई होती है जो कि कोनियम मैक्यूलेटम नाम से जानी जाती है। कोनियम मैक्यूलेटम का एक डोज यदि हम 30 या 200 का दे दें तो उस पेट फूलने की समस्या से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ब्रेकफास्ट में दूध और ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दूध और ब्रेड का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें काफ़ी तकलीफें आने लगती है और उन्हें डकारें आने लग जाती है। तो इन डकारों को रोकने के लिए हमारे पास जिंक मेटेलिकम एक अच्छी दवा होती है, यदि इसका उपयोग किया जाए तो उनकी डकारों को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग दूध पीते हैं, थोड़ा सा गर्म दूध पीते हैं और उन्हें दस्त लगने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास नक्स मॉस्कोटा, नक्स ओमिका और सीपिया दवा होती है। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि यदि व्यक्ति सुबह का दूध शाम को पी लेता है, शाम का दूध सुबह पी लेता है, या यूं कहे कि थोड़ा सा खट्टे स्वाद वाला दूध पी लेता है और उसे दस्त लगने लग जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए हमारे पास पोडोफाइलम दवा होती है। लेकिन अब एक चीज़ और सोचिए कि हम पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ फ्रूट कस्टर्ड खाते हैं, फ्रूट कस्टर्ड लेने के बाद या थोड़ा सा खट्टा मिल्क शेक लेने के बाद उन्हें दस्त लगने लग जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास वही दवा होती है पोडोफाइलम। और पोडोफाइलम दवा फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद या किसी भी प्रकार का थोड़ा सा खट्टे स्वाद वाला दूध सेवन करने के बाद यदि दस्त लगने लग जाए तो इसको ठीक करती है। दोस्तों, आज हम अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले भाग में होम्योपैथी और एलर्जी के अगले भाग में हम दूध से संबंधित आपको और भी जानकारी देंगे और दूध से होने वाले दुष्प्रभावों को
लिए क्या क्या होम्योपैथी दवाइयाँ उपयोगी है इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।